लेकिन करनी करनी पड़ेगी। इसमें वही जीव आएगा जो अपने वास्तविक जीवन को पूरा लाभ देना चाहता है, इसी जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहता है। लेकिन प्राप्त जब करोगे प्रेमियों, जब तुम पूरी शरणागति का मार्ग अपनाओगे। इसीलिए सब धर्मों ने इस पर जोर दिया है कि तन मन धन गुरु के अर्पण करो। तन मन धन जब अर्पण कर लोगे, गुरु के विश्वास को जीत लोगे आप, आपको एक ही चीज मिलेगी सारी चीज अर्पण करने के बाद में, कि वो विश्वास। और जब तुमको वो पूरा विश्वास मिल जाएगा, पूरी श्रद्धा मिल जाएगी, फिर गुरु भला करता है, बुरा करता है, मंदा बोलता है, चंगा बोलता है, तुम्हारे हित का बोलता है। क्यों बोलता है? तुम्हारे हित का। हम बुरा भला जब तक सोचते हैं जब तक हमारा तन रहता है, हमारा मन रहता है, हमारा धन रहता है। जब तक हम गुरु की बातों पर यकीन भी नहीं करते, गुरु अगर तुम्हें कहता है कि 4 पैसे उसमें लगा देना, तो कहते हो गुरु ने लालच कर लिया। गुरु कहता है तुम ये काम करना, मैं कहता हूं अगर तुम करोगे हर क्रिया में, सतगुरु तुम्हें स्पष्ट रूप में प्रकट होके बताएगा। अभी अपने एक सेवादार राजेंद्र है, जब मैं आया मैं हर क्रिया नोट करता हूँ, हर आदमी की नोट करता हूँ, ये ना सोचना। मैं हर जीव का बोलना चालना सब पर दृष्टि रखता हूँ, जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, और उसकी पीछे की बात, केस के पीछे इसका क्या वो रहा होगा। आदमी अपना मान तोड़ देता है, सेवा मान तोड़वाती है। जो लोग सेवा से प्यार नहीं करते वो धार्मिक नहीं है। जो लोग सेवा नहीं करते उनके अंदर प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है, वो भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति मैं कहता हूं तुम एक पल के लिए ना करो। श्रद्धा अगर तुम लाना चाहते हो अपने मन में, तुम भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हो, तुम सेवा करके देखो अपने तन से मन से और धन से। तुम्हें बात जो कहना चाहता था, वो लड़का राजेंद्र नाम है, वो झाड़ू निकालता निकालता वहां तक चला गया। अब मुझे पता है जो इंसान जो काम करता है उसी का चिंतन, उसी का मनन और उसी का ख्याल, उसी का विचार उसके मन में भी चलता है। मैंने कहा कि देखो वो पढ़ा लिखा अच्छी नौकरी करता है, सेवा का इसको मौका मिला है, लेकिन हर इंसान नहीं कर सकता ये। इस सड़क पे झाड़ू निकालता हुआ यहां तक आया है। क्यों? जब आया थोड़ी देर के बाद उससे रहा नहीं गया। अरे यही सेवा की दौलत है, छोटी सी भी दौलत आती है, इंसान फटने को हो जाता। आया बेचारा, उसके दिल में ख्याल आया कि भाई मेरी तरह भीलनी भी यूं बुहारी निकालती होगी, वो भी तो रास्ता बुहारती थी। और बुहारते बुहारते उसको ये भी ख्याल आया कि राजेंद्र आज तो तेरे सारे कर्म कट गए, आज तो तेरे सारे कर्म कट गए। जो आदमी ऐसा करता है, ऐसा ख्याल करता है, उसके कट भी जाते हैं। क्यों कट जाते हैं? कोई घटना साधारण नहीं होती। अरे संतों के दर्शन से आई करे बला, आज जो सुख है जो दुख सूढ़ी में, और उस सूढ़ में टप जा। मैं कहता हूं सूढ़ में टप जाना तो दूर की बात है, सूढ़ चुभती भी नहीं है, लेकिन अपने दिल में सच्चाई होनी चाहिए। प्रेमियों सच्चाई नहीं है, धोखे में हो आप, चालाकियों में हो आप, मन के दायरे में हो, अपनी बुद्धि से सोचते हो। तुम्हें हक नहीं है ऐसा सोचने का। अगर पूरे धार्मिक हो, पूरी निष्ठा है आप में, और जब आपने अपने आप को गुरु के शरणागति कर दिया, फिर आपको क्या अधिकार है आपके मन से गलत सोचो, अपने धन से गलत काम करो, या अपने मन में बुरे ख्यालात पैदा करो। फिर तो जब भी कोई बात सोचते हो तो उसमें विचार करो, क्या गुरु ने तुझे ऐसी आज्ञा दी है कि तू ये करे। कोई काम करता है तो सोचते कि क्या इसमें तेरे गुरु की तौहीन नहीं है। लानत है ऐसे काम करते हुए, जब ऐसे करते हो। कबीर साहब ने क्यों अपने आप को कहा? इसीलिए कह रहे मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। क्यों कहते हैं कि तूने तो सब कुछ गुरु को जब अर्पण कर दिया मूर्ख मन, फिर तू गुरु के बिना किस रास्ते से जाना चाहता है? गुरु का तो एक ही मार्ग है, श्रद्धा का, विश्वास का, यकीन का, प्रेम का, सेवा का। जब तेरे अंदर वो सेवा भाव है तो तूने सबको जीत लिया है। सेवा से इंसान सबको जीत लेता है। सेवा करने वाला सेवा के बदले में कुछ चाहता नहीं है, लेकिन उसको मिलता है, रोकता नहीं। तू सेवा किसकी करता है? गुरु दरबार की करता है, गुरु को समक्ष रख के करता है। प्रकृति का नियम है, जो एक इतना करेगा उसका 1000 गुना उसको मिलेगा। आज तक रोक ही नहीं पाया कोई भी। इसके रचयिता ने नियम बनाया, उसके नियम को कोई तोड़ नहीं सकता।
आज तक कोई पैदा नहीं हुआ उसकी, और जिसने तोड़ा उन्होंने किसी खास काम के लिए तोड़ा, अपने भक्तों के लिए। तो बार बार परमात्मा ने भी अपने नियम अपनी मर्यादाओं को तोड़ दिया, लेकिन उनके करवाने की उनमें शक्ति चाहिए, परमात्मा का प्रचार प्रसार और उनसे प्यार जुड़वाने वाले और उनके बारे में ज्ञान देने वाले भी तो उनके भगत ही हैं। परमात्मा से भी ज्यादा पूजा भगत की होती है, अगर भगत नहीं होते तो परमात्मा को कौन जनाता, कौन उनके गुणगान करता, कौन उनके गुणों की व्याख्या करके बताता कि परमात्मा ऐसा करता है वैसा करता है। परमात्मा प्रगट रूप में तो आपके सामने किसी के कहता नहीं, लेकिन सतगुरु रूप में परमात्मा रूप को जानो, जब देह रूप से तुम्हें प्यार जुड़ जाएगा, उनमें पूरी श्रद्धा यकीन तुम्हारी बन जाएगी, और जो जो तुम्हारी विचार की दृढ़ता होती चली जाएगी, नाम में रुचि बढ़ती चली जाएगी। अब कई लोग कह देते हैं मुझे दुख आता है, अब सुमन की जहां तक बात होती है तुमने तो बस सुन लिया, मोटा मोटी में बात कह दी, गुरु ने नाम दे दिया, किसी को 5 बता दिए, किसी को 3 बता दिए, किसी को 1 बता दिया। एक आदमी तो 3-4 दिन हो गए मेरे पास आके कहने लगा, जी बोला आपने 5 नाम बताए थे, उन्होंने 1 नाम भूल गया मैं बोला भाई 5 नाम कौन कौन से थे, 4 कौन से हैं बता दे, फिर 5 नाम मैं बता दूंगा। बोला जी एक तो बताया अडोल, हाँ बोला, एक बोला अबोल, तीसरा बोला सतनाम, मैं 3, और चौथा बोला सतगुरु, मैं तो 5वां राधा स्वामी है भाई, यो अनुला यू भूल गया। और सबके सब इसको तो बोलने लग रहे हैं, जगह जगह दिखा ये कैसे भूल गया, क्योंकि मैंने उनसे अंदाजा लगा लिया घोड़ा है इसको पता ही नहीं है नाम क्या है। अब वही बात आप लोगों के साथ भी है, और वो कमी है किस बात की कि हम चिंतन नहीं करते उस बात की। एकांत में जब बैठो ना तुम चिंतन करके देखो, शास्त्र किसने बनाए थे, वो आप जैसे थे बनाने वाले, कैसे बनाए शास्त्रों से, जब उन्होंने एकांत में जाके चिंतन किया, चिंतन करते हुए उनके चिंतन से जो उनके संकल्प और विकल्प उनके दिमाग में पैदा हुए, उन्होंने उनको कलमबद्ध करके किताबों के रूप दे दिया। किसी को नाम अंजिल पढ़ा, किसी का बाइबल पढ़ा, किसी का वेद पढ़ा, किसी को पुराण कह दिया, और किसी को उनमें व्याकरण कह दिया। कहां से पैदा हुए वो इंसान के दिमाग की एकाग्रता से पैदा हुए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप किस प्रकार का सुमन करते हो, सुमन एक प्रकार का नहीं है, कि गुणात्मक संसार है तो तीन तरह का ही सुमन करना पड़ता है। अब सुमन में भी क्या कि एक तो तुम अपने स्वार्थ के लिए करते हो, अपने लाभ के लिए करते हो, मेरा ये हो जाए, या एक तुम्हें जब दुख होता है उसको मिटाने के लिए करते हो, या दूसरे के किसी के अहित के लिए सुमन करते हो, अकेला ये नहीं करते। शुद्ध सुमन तो एक ही है कि जिसमें ना तुम्हें सुख की परवाह है, ना किसी का दूसरे का अनिष्ट करने की बात है, और उसको भी किससे, पहला सुमन तुम्हें करना पड़ेगा तरीका है कि बैकरी वाणी से, जबान से। जिसे जबान से सुमन नहीं करना सीखा है तो उसका अजपा कैसे हो जाएगा। जो बारी जिब्या से, ताड़ू से, होठ से और दांत से मिला के सुमन करते हो ना, वो जब सुमन करोगे इसको क्या कहते हैं, जाप। इसको जाप कहते हैं, संतों ने जाप कहा है, और वो जाप करते करते जाप तुम्हारा पक्का हो जाता है कुछ दिन के बाद में। उस जाप का भी बहुत गुण है, वो जाप तो किसने किया था, गणका ने किया था, तोते के पढ़ावने में गणका ने बांध लिया, कुंजल ने बांध लिया, 4 कच्चे तारों में गणका ने तोते के पढ़ावने में, तोता कैसे, तोता थोड़ा पड़ता था, लेकिन क्या किया कि उसने जाप किया था, तोता राम बोल, तोता राम बोल, तोता राम बोल, ये जाप था, बोलती थी जबान से। इन राम बोलने में तारू की जीभ की और होठों की जरूरत पड़ती है, राम राम पड़ती है कि नहीं पड़ती। लेकिन इसके बाद में कौन सा जाप आता है, अजपा जाप आता है। हमें जाप करने करते करते जब अभ्यास हो जाता है, जाप करने की जरूरत नहीं रहती, वो जाप फिर अपने आप होता है। हम बैठते हैं कोई काम करते रहो, लेकिन वो जाप तुम्हारा होगा, करते रहोगे, जबान नहीं हिलानी उसमें, ताल नहीं हिलाना, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं जाप करता हूं, काम नहीं करते। लेकिन कुछ दिन के बाद में वो जाप करते करते भी किस अवस्था में पहुंच जाओगे, वो भी नुकता नहीं है,
रुकता क्यों नहीं है कि तुम्हारे वो जबान से अंदर में चला गया और अंदर से तुम्हारे सांस सांस में समा गया। अब सांस का आना जाना है, जब सांस आता जाता है तो तुम्हारा नाम भी यूं ही चलता रहेगा। कबीर साहब ने क्यों कहा कि सांस सांस में नाम सुमर बिटता सांस न कोई, लेकिन अगली जगह ये भी कह दिया कि जात मर अजपा मर अनहद भी मर जाए। अब वो अनहद का है, वो अनहद है जहां ना जपने की जरूरत, ना जीभ की जरूरत, ना ताड़ू की जरूरत, लेकिन सुमन का अभ्यास करते करते उस अवस्था में पहुंच गए कि वो अनहद है। तुम काम करते हो, बात करते हो, ख्यालात वहीं पे लगे हैं, बैठे उठे खड़े उतारे कहे कबीर हम उसी ठिकाने। और ध्यान अभ्यास करने का तरीका भी यही कहा, कबीर साहब ने कोई जगह ही नहीं छोड़ी, कोई एक भी ऐसी बात नहीं छोड़ी कि जीव जो सवाल भी कर सके, किसी से पूछ सके कि मैं सुमन कैसे करूं, मैं ध्यान कैसे करूं और मैं अभ्यास कैसे करूं, मैं किस प्रकार से अपनी आंखों को ज्योति में जमाऊं, कैसे प्रकाश को देखूं, शब्द को सुनूं। संतों ने उसको बड़े सरल मार्ग में, राजा स्वामी दयाल ने इस युग में क्या कहा कि सुमन ध्यान और भजन तीनों क्रियाएं एक ही साथ कर सकते हो, एक ही साथ तीनों बंद लगा के कर सकते हो। आहिस्ता आहिस्ता मन को रोको करो सुखमना ध्यान, आहिस्ता आहिस्ता मन को रोको सुखमना में ध्यान करो। जब सुखमन नारी में ध्यान करते जाओगे, गुरु के रूप में अपनी वृत्तियों को टिका लोगे, मन का जो बिखराव इंद्रियों के द्वारे पर है उसको समेट के वापिस एक बिंदु पर कायम कर लोगे, जब वही बिंदु पर तुम्हारी पूर्ण शक्ति पूर्ण धार एक ही जगह एकत्रित हो जाएगी, तो जो जगह जगह इंद्रियों के द्वारों में शक्ति विनाश होती थी वो एक मार्ग पर जब चल पड़ेगी तो उसके लिए मंजिल पर चलना बड़ा सुगम होगा। ये असली मार्ग है अभ्यासी के लिए नाम जपने का और अपनी मंजिल को पाने का। यही बात दूसरे धर्मों में या सनातन धर्म में ध्येय ध्याता और ध्यान कह दिया। ध्याता हम करने वाले हैं, ध्यान हमारी मंजिल है, और या ध्येय हमारी मंजिल है और ध्यान जो मकसद है उसकी तरह हमने अपनी वृत्ति को टिका लेना है। उसी वृत्ति को टिकाने के लिए हम अभ्यास करते हैं, और जब वृत्ति टिक जाती है तो अंतर में वो शक्ति प्रकट हो जाती है जो रोम रोम में रमी हुई है। जिस प्रकार से तिलों के अंदर तेल है, दूध के अंदर घी छिपा हुआ है, लकड़ी के अंदर अग्नि है, उसी प्रकार से हमारे अंदर भी वह शक्ति छिपी हुई है। लेकिन वो क्या है, अगर यूं देखें तो लकड़ी को फेंक के मारो, पत्थर को फेंक के मारो, तिल को मूंगफली को फेंक के मारो, कहीं तेल घी या दूध को छिड़क दो आपको चिकनाई नजर नहीं आएगी। परंतु उनके एक नियम के मुताबिक, नियम क्या है जो गुरु ने बताया, वो इंद्रिय द्वारों को रोक के मन को काबू में करके और इसको संयम में रखते हुए जब एक निश्चित समय बना के गुरु के रूप का ध्यान करते हुए अंतरिम मंजिलों की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे तो हमें अपने लक्ष्य को पाने में कोई ना तो मुश्किल होगी और ना ही टाइम लगेगा। इसी जीवन में हम अपना काम कर जाएंगे, संतों का मार्ग ये है। लेकिन ये नहीं है कि संत हम संतों का मार्ग किसी को मांगना खाना भीख मांगना नहीं सिखाता, लूट खसूट धोखा छड़ कपट नहीं सिखाता, उनको विश्वास नहीं तुड़वाता किसी का, ये विश्वास तुड़वाता है। सच्चा अगर कोई गुरुमुख है, गुरु का भगत है, तो वो गुरु पर उसकी श्रद्धा बनवाता है, जिसने दूसरे की भी श्रद्धा बनवा दी उसकी खुद की श्रद्धा भी जुड़ जाएगी। लेकिन अगर दूसरे को कोई धोखा देता है तो उसको पहले धोखा दिया जाता है, दूसरे को डुबोने की कोशिश करता है खुद डूब जाता है। लेकिन जो सच्चा होकर मार्ग पर चलेगा, दूसरे को उपदेश करने की जरूरत नहीं, पर उपदेश कुशल बहुते रे। दूसरों को तो हम उपदेश करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हम खुद डूबे जाते हैं, खुद तो डूबे नीच कीच में, औरों को करें उपदेश, दूसरों को क्या उपदेश करेंगे जो खुद गिरे हुए डूबे हुए और जिनका कर्म इतना गंदा है कि वो बच नहीं सकते उससे। सदगुरु उन्हीं की रक्षा करेगा जो गुरु के भगत हैं। इसीलिए कहे ना बुरे भले गुरु भगत, बुरा भला गुरु भगत क्या है, उनकी गुरु रक्षा करेगा। खोटे मंदे कर्म करके जिसने गुरु की शरण ले ली उसको तो गुरु पार करेगा, चाहे ठग हो डाकू हो चाहे कितना पापी हो। अरे हजार मेल जैसे तारे।